एक्सलेंसीज, ब्रिक्स बिजनेस समुदाय के लीडर्स, आप सबको नमस्कार। मुझे खुशी है कि दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर रखते ही हमारे कार्यक्रम की शुरुआत ब्रिक्स बिजनेस फोरम से हो रही है। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति रामाफोसा को उनके निमंत्रण और इस बैठक के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल को 10वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 10 वर्षों में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल ने हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2009 में जब ब्रिक्स की पहली समिट आयोजित की गई थी, तब विश्व एक बड़े आर्थिक संकट से बाहर आ रहा था। उस समय ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक आशा की किरण के रूप में उभरा था। वर्तमान समय में भी कोविड महामारी, तनावों और विवादों के बीच विश्व आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में ब्रिक्स देशों के एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रेंड्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। यह इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं, उनसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है, रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था, आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। आज एक क्लिक से भारत में करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक $360 बिलियन से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इससे सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार और मिडलमैन कम हुए हैं। प्रति गीगाबाइट डाटा की कीमत में भारत सबसे किफायती देशों में है। आज भारत में स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। आज विश्व के सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन वाला देश भारत है। यूएई, फ्रांस, सिंगापुर जैसे देश इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से देश का परिदृश्य बदल रहा है। इस वर्ष के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग $120 बिलियन का प्रावधान रखा है। इस निवेश के माध्यम से हम भविष्य के एक नए भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। रेल, रोड, वाटरवे, एयरवेज, हर क्षेत्र में तेज गति से बदलाव आ रहा है। आज भारत में 10,000 किलोमीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार से नए हाईवे बन रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। निवेश और उत्पादन को बढ़ाने के लिए
हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लागू की हैं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने से भारत का मैन्युफैक्चर सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत वर्ल्ड लीडर में से एक है। हम भारत को सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। स्वाभाविक है कि इससे भारत में रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा मार्केट बनेगा। आज भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में इस समय 100 से भी अधिक यूनिकॉर्न है। आईटी, टेलीकॉम, फिनटेक, एआई और सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों में हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सभी प्रयासों का सामान्य जन के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पिछले 9 वर्षों में लोगों की आय में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की सशक्त भागीदारी रही है। आईटी से लेकर स्पेस तक, बैंकिंग से लेकर हेल्थ केयर तक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में योगदान दे रही है। भारत के लोगों ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोविड महामारी ने हमें रेजिलिएंट और इंक्लूसिव सप्लाई चेन्स के महत्व को सिखाया है। इसके लिए आपसी विश्वास और पारदर्शिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एक्सलेंसी, मैं एक बार फिर ब्रिक्स बिजनेस जगत के लीडर्स को उनके योगदान के लिए बधाई देता हूं। इस मीटिंग के शानदार आयोजन के लिए मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति रामाफोसा का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।